नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक दीप और आप देख रहे हैं टेक्नो बंगाली बाबू चैनल। सो वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेहरिंजर ऑडियो इंटरफेस का यानी साउंड कार्ड का ड्राइवर किस तरह से इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम या जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ओपन कीजिए और मेरे जैसा आप सर्च कीजिए, बेहरिंजर.com लिख के आप सर्च कीजिए। सर्च करते ही आपके सामने कुछ इस तरह एक इंटरफेस आने वाला है। तो यहाँ से आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है बेहरिंजर होम, तो हम लोग को यहाँ पर करना है क्लिक। ठीक है, ये एक्चुअली ऑफिशियल साइट है बेहरिंजर ऑडियो इंटरफेस का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ जो प्रोडक्ट लिखा है ऊपर में, आपको यहाँ पर करना है क्लिक। प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी पे जाऊँगा। जाने के बाद या फिर आप यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में आपको डाउनलोड का सेंटर इस तरह दिख रहा है, इस पर भी आप क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड सेंटर पे आपको करना है क्लिक। उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह एक पेज ओपन होने वाला है, ऑल प्रोडक्ट। यहाँ से आपको ऑडियो इंटरफेस पे करना है क्लिक। ठीक है, ऑडियो इंटरफेस पे क्लिक करते ही आपके सामने और एक पेज ओपन होने वाला है। मेरा UMC22 है, यह ऑलरेडी मेरे सामने ये शो हो रहा है। मैं अगर चाहूँ यहाँ से मैं डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर आपका जो मॉडल है, आपको सबसे पहले ये मॉडल नंबर आपको ढूंढ लेना है कि आपका ऑडियो इंटरफेस का क्या नंबर है, क्या मॉडल नंबर है। किसी का जैसा UM2 होगा, किसी का UMC22 होगा। इस तरह 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 का बेहरिंजर का जो ऑडियो इंटरफेस है, हर ऑडियो इंटरफेस का अलग अलग एक कोड नंबर होता है। इस कोड नंबर को आपको ढूंढ लेना है यहाँ से, और ये ढूंढने के बाद आप यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कोई भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली आपका साउंड कार्ड के साथ एडजस्ट नहीं होगा। जैसा कि फोकसराइट अगर आप डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर, वो एक ही सॉफ्टवेयर होता है और उसका जो ऑडियो इंटरफेस का डब्बा होता है उसमें एक सीरियल नंबर दिया जाता है। उस सीरियल नंबर डाल के आपको लॉग इन करना पड़ता है, आपको यूज़ कर पाते हैं उस ड्राइवर को। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को करना है अपना प्रोडक्ट का जो जैसा मेरा पास है UMC22, मैं इस पर कर दिया क्लिक। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख जाएगा, अगर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इस तरह से। ठीक है, तो मैं UMC22 इस पर क्लिक किया और यहाँ से मुझे देखिए सॉफ्टवेयर जहाँ लिखा है यह करना है क्लिक। तो यह क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह एक पेज ओपन होने वाला है। तो देखिए UMC22 मैं यह क्लिक किया, करने के बाद मेरे सामने नीचे देखिए बहुत कुछ ऑप्शन आ गया है जहाँ से हम लोग इसका ड्राइवर करेंगे डाउनलोड। फिलहाल आपको यह एशियो ड्राइवर, ये देखिए सॉफ्टवेयर जो है यह शो हो गया, तो इस पे करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह देखिए एक पॉपअप विंडोज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आई एग्री, इस पे आपको करना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद यह देखिए आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन है, यह जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये ड्राइवर डाउनलोड हो जाएंगे। ये बहुत ही छोटा सा एक ड्राइवर है जो कि बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर पाएंगे और इस ऑडियो इंटरफेस के साथ आप जोड़ के किसी भी डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन के साथ और ये ऑडियो इंटरफेस को आप जोड़ के अपना होम स्टूडियो पे बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का वॉइस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप जो मेरे वॉइस सुन पा रहा है ये इसी साउंड कार्ड से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए आपको इस तरह से एशियो फॉर ऑल ये जो लिखा है, लो लेटेंसी एशियो ड्राइवर फॉर विंडोज, यह आपको करना है क्लिक। ठीक है, यह क्लिक करके आपको करना है डाउनलोड। तो देखिए ये अगर आप मैक यूज़ करते हैं उसके लिए भी है और विंडोज़ के लिए भी है, तो आपके पास जो है आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो देखिए डाउनलोड करने से पहले आपको यहाँ पर अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना है ताकि इस सॉफ्टवेयर को आप कौन सा लैंग्वेज में इस्तेमाल करना चाहते हैं।
तो यहाँ एक ही ऑप्शन है, हिंदी नहीं है, इंग्लिश अवेलेबल है वर्ल्ड वाइज, अदरवाइज जैसे कि जापानीज, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश, इस तरह से बहुत लैंग्वेज में ये है। तो मैं सिंपल सी इसको एशियो जो इंग्लिश है इंग्लिश के साथ जानना चाहूँगा, यानी यूनाइटेड किंगडम यूएसए के साथ, इस पे मैं कर दिया क्लिक। जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो अभी मेरे सामने देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउनलोड होने वाला है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक किया मेरे सामने, तो देखिए जैसे मैं क्लिक किया मेरे सामने एक ऐड आ गया। तो मैं इस ऐड को काट कर दूंगा क्योंकि मुझे ऐड नहीं देखना है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मेरा ड्राइवर जो है डाउनलोड शुरू हो गया है। आप नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर नीचे देखिए यह डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएंगे तो ये शो ऑल क्लिक करेंगे और इसको हम लोग जैसा भी किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल उसी प्रोसेस से इसको भी इंस्टॉल करना है। तो देखिए मैं शो ऑल पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने आ गया है जहाँ मेरा ये सॉफ्टवेयर फाइल जहाँ डाउनलोड हुआ है। मैं इसको यहाँ से करूँगा क्लिक शो ऑल फोल्डर या शो इन फोल्डर सॉरी। तो इस पे मैं करूँगा क्लिक। क्लिक करते ही ये जहाँ पर मेरा सिस्टम पे ये इंस्टॉल हुआ है वहाँ मुझे बाय डिफॉल्ट ले जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा अपना सिस्टम पे रन। तो रन करने के लिए देखिए यहाँ आया है एशियो ऑल, एशियो फॉर ऑल, ये जो ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ है। तो इस पे हम लोग करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन ओपन होगा रन एज एडमिनिस्ट्रेट, तब जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए ओपन, उसके बाद देखिए रन एज एडमिनिस्ट्रेट, इस पे आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, क्लिक करते ही ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे रन होने वाला है। तो देखिए मैं क्लिक कर दिया क्योंकि ये बैकग्राउंड में इंस्टॉलेशन, तो देखिए इस तरह से आपके सामने होगा। आपको नेक्स्ट कर देना है और फिर से नेक्स्ट, और आई एग्री एक्सेप्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन इस पे आपको करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद इस पे भी आप चाहे तो ये सारा सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट भी आप इस तरह नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये पूछेगा कहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। तो मैं ब्राउज़र पे कर दिया विंडोज सी, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ डाउनलोड मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आप इस पे फिनिश जहाँ लिखा है इस पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक कर देंगे आपके सॉफ्टवेयर रेडी टू यूज़, आपका सिस्टम पे आपका ये ड्राइवर आप ऑलरेडी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और कोई भी अगर आपको क्वारी है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन के साथ जैसे कि एफएल स्टूडियो, क्यूबेस, प्रो टूल्स, न्यू इंडिया, जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं, या फिर अगर आप ऑडासिटी यूज़ करते हैं, उसके लिए भी अगर आपका ये ड्राइवर किस तरह से उस पार्टिकुलरली डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन के साथ कनेक्ट करे, उसके ऊपर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल आपके लिए ला दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ तक आपको दिखा दिया। बाकी आप इस सॉफ्टवेयर को मतलब डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन के साथ किस तरह आप इसको इस्तेमाल करें वो आपको शायद मालूम है। अगर मालूम नहीं है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं अगला वीडियो में वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।